हे यो, व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आ गए दोबारा एक और वीडियो लेके, जिसमें हम लोग कुछ तोड़ फोड़ दोबारा करने वाले हैं। तो मेरे पास है ये सेफ्टी हेलमेट, जो करम कंपनी का है। इंडिया में ये सेफ्टी हेलमेट इस कंपनी का बहुत फेमस है। और करम जो कंपनी है वो, उसके बारे में मैं दिखाता हूँ पहले। तो ये करम कंपनी उत्तराखंड में लोकेटेड है। इंडियन मेड हेलमेट है, जो कि 300 से 400 रुपये में मिल जाता है हमारे सिर को बचाने के लिए। बट सच में ये कितना सिर को बचाता है वो तो हम लोग पता लगाएंगे अभी थोड़ी देर में। बाकी इसको मैं यूज़ करता था पहले, तो अभी तक तो मेरे सिर को बचाया है इसने। वैसे कुछ गिरा भी नहीं इतना कुछ खास। बट इसके अलावा 300-400 रुपये में, जैसा मैंने बोला, ये मिल जाता है। एंड यहाँ पे खुर्रम भाई दिखाएंगे, ISI और DGM एंड DGMS, ये सर्टिफाइड है सेफ्टी हेलमेट। ओके, प्लस जो सेफ्टी हेलमेट्स होते हैं वो पॉलीएथिलीन, थर्मोप्लास्टिक या फिर फाइबर ग्लास से बना होता है, हार्डेंड फाइबर ग्लास से बना होता है। तो जिसका काम ही होता है किसी भी तरह के की चीज़ों को कंस्ट्रक्शन साइट में जो गिरते हैं, हेलमेट उसके ज़रिए बचाता है आपको। ओके, तो इस हेलमेट का हम लोग सेफ्टी टेस्ट करने वाले हैं। तो 3 फेज़ में इसका सेफ्टी टेस्ट करेंगे। पहला 5 ड्रॉप्स करेंगे हैमर का, हथौड़ी का। फिर 5 ड्रॉप्स करने वाले हैं ब्रिक का, एक पत्थर का, जो कि ऑलमोस्ट 13 kg है और जिसका मैंने ऑलरेडी वेट कर रखा है। तो वो रहा वहाँ पे पत्थर। ओके, और जिस जिसने अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। और वहाँ पे मैंने लिटरली इसको वे किया, समवेयर अराउंड 13-13.5 kg है ये। और थर्ड जो हम लोग ड्रॉप कर थर्ड टेस्टिंग में जो करने वाले हैं वो करेंगे इस ग्रिल से, जो है समवेयर अराउंड 40-50 kg। तो 3 फेज़ में हम लोग को ये पता चलेगा कि कितना ड्यूरेबल है। और अब किसी को पहना के तो नहीं कर सकते। हाँ, तो एग्जैक्टली हम लोग किसी ह्यूमन बॉडी पे, तो ह्यूमन के किसी हेड पे तो हम लोग इसका इम्पैक्ट टेस्ट नहीं कर सकते। तो अभी इसी तरह से हम लोग टेस्ट करेंगे और उसी में पता लगाएंगे कितना ड्यूरेबल है। और बाकी फिर आप लोग को जैसा भी लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेट्स बिगिन। ड्रॉप टू चेस्ट हाइट, हेड हाइट, अभी हैमर का 5 ड्रॉप्स हमने किया जैसे आपने देखा, बट स्टिल हेलमेट को कुछ भी नहीं हुआ। जैसे इसकी आवाज़ से आप बता सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है। मैं बेंड करके भी दिखाता हूँ, तो अभी तक बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट ड्रॉप करते हैं। तो लास्ट जो ड्रॉप किया उसमें यहाँ पे बेंड हो गया, बट स्टिल इतने हैवी इम्पैक्ट के बाद भी ये टूटा नहीं, जो कि बहुत, सच में बहुत बड़ी बात है। 300-400 का जो ये हेलमेट दे रहे हैं बहुत सही है। एंड मेरे हिसाब से तो ISI मार्क को सच में जस्टिफाई करता है। अभी एक लास्ट टेस्ट करेंगे जो 40-50 kg के अराउंड वो ग्रिल होगा, तो उसे हम लोग एक नीचे के ही हाइट से गिराएंगे, ज़्यादा ऊपर हाइट से नहीं गिराएंगे। तो चलिए वो भी करके देखते हैं। 1 2 परम भाई बोली 3 3। हेलमेट का छुआरा हो गया, हेलमेट यहाँ से फट गया। जैसा क्लोजली ये दिखाइए सबको, ये अगर देख पा रहे, दिख रहा है ना? Yes. हेलमेट यहाँ से फट गया लास्ट टेस्ट में। बट स्टिल ओवरऑल पैसे के हिसाब से एंड एवरीथिंग काफ़ी जस्टिफाई करता, नहीं जस्टिफाई करता, और सच में ये आपका सिर तो बचाएगा ही। और इसको बहुत सारे लोग एज अ राइडिंग के लिए, हेलमेट के लिए भी यूज़ करते हैं, नॉर्मली बाइक पहनने के, बाइक के लिए भी यूज़ करते हैं। तो सही है, बट स्टिल फेस तो नहीं बचाता, ये सिर ही बचाता है। तो बाइक के लिए तो इसको मत यूज़ कीजिए, हाँ इंडस्ट्रियल के लिए तो आपको यूज़ करना ही है ये। तो अगर ये वीडियो कैसा लगा बताइए हमें कमेंट में, आपका क्या व्यू है इस बारे में। और दूसरा ये कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स लेके आते रहेंगे हम।
और सब्सक्राइब नहीं करना है तो एटलीस्ट एक लाइक कर दीजिए हमारे लिए। टिल देन सी ऑफ, बाय बाय।